UPA 3 के सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। राहुल आज हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो किसानों और पूर्व जवानों से मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। चंडीगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी, पूर्व सैनिकों से होगी मुलाकात। देखिए सरकार पर बाहर के दूर दराज का सैनिक उसका लाभ नहीं ले पाता है। सोनीपत में किसानों से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। करूंगा कि वो आगे प्रतिचिन्ह घोषणा पत्र पर होगी राय शुमारी। तो जब भी आपको एक सिपाही की जरूरत जो आपकी बात सरकार में उठाए, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हवाले हूँ। देहरादून के इन नजारों की तरह ही आज चंडीगढ़ में भी पूर्व फौजियों की पंचायत लगेगी, जिसके मुख्य मेहमान होंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। ये आपको आने वाले समय में देखें, मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ कि भैया आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा। राहुल गांधी के दखल से UPA 2 की सरकार ने अभी हाल ही में पूर्व सैनिकों की परसों पुरानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को मंजूरी दी है। जाहिर है राहुल के समर्थन से ही पूर्व सैनिकों का सालों पुराना सपना साकार हुआ, लिहाजा पारी सैनिकों की ओर से शुक्रिया अदायगी के तौर पर इस वोट बैंक पर पंजा मारने की है। सो कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रविवार को देहरादून में कई कार्यक्रमों के बीच पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात की, कुछ उनकी सुनी कुछ अपनी सुनाई। सैनिकों की सेवा का बखान किया तो साथ में 2014 के चुनावों में पूर्व सैनिकों के समर्थन की संभावना भी टटोली। जब ये डिस्कशन हो रहा था वन रैंक वन पेंशन का, तो मेरी सोच ये है कि देखिए, अगर आप देश के लिए अपनी जान देते हो तो देश को जो भी करना हो आपके लिए वो करना चाहिए। कमोवेश ऐसे ही नजारे और ऐसी ही संवाद अदायगी आज चंडीगढ़ में भी नजर आने की संभावना है, यानी कांग्रेस की ओर से वन रैंक वन पेंशन को चुनावी कामयाबी के तौर पर भुनाने की भरसक कोशिश होगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का तो यहां तक दावा है कि पूर्व सैनिकों की तादाद सबसे ज्यादा इसी सूबे में है, लिहाजा वन रैंक वन पेंशन पर फैसले से सबसे ज्यादा फायदा भी पंजाब को ही होगा। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पूर्व फौजियों के वोट पर कब्जा करने की जुगत शायद गैर मुनासिब नहीं कही जाएगी। आज चंडीगढ़ में पूर्व फौजियों से मुलाकात से पहले राहुल हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर में किसानों की पंचायत लगाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष किसानों से चुनावी घोषणा पत्र पर राय मशविरा करेंगे। इसके बाद राहुल सोनीपत में ही इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का उद्घाटन करेंगे और सबसे आखिर में चंडीगढ़ में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। वैसे इन दिनों राहुल रोजाना देश के किसी न किसी हिस्से का दौरा कर रहे हैं, समाज के हर एक तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल UPA 3 के सपने को साकार करने के लिए हर वो नुस्खे आजमाए जा रहे हैं जो चुनावी कामयाबी के लिहाज से कारगर साबित हो। एक तरफ राहुल हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। सोनिया 2 दिनों के रायबरेली दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन सोनिया अपने संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगी, तो दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष आम जनता से मुलाकात के बाद क्षेत्र का दौरा करेंगी।